हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य। तो क्या होगा अगर हमारा सूरज एक घंटे के लिए बंद हो जाए, या फिर एक महीने के लिए बंद हो जाए, या फिर एक साल के लिए बंद हो जाए? तो सूरज अपना किरणें देना बंद कर दे तो इस मानव जाति का क्या होगा? सिर्फ इस मानव जाति का नहीं, इस प्लेनेट पर हॉरिबल लिविंग बींग्स का क्या होगा? चलिए पता लगाते हैं। मान के चलो कि हमारे सूरज का लास्ट फोटोन और लास्ट सोलर विंड हमारे प्लैनेट की ओर आ रहा है, और ये बात किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि सूरज से निकला हुआ किरण हमारे प्लैनेट में पहुंचने के लिए लगभग 8 से लेकर 9 मिनट का टाइम लेता है। तो इसी 8 और 9 मिनट के बाद सूरज पूरी तरह बंद पड़ जाएगा और आसमान पूरी तरह डार्क हो जाएगा, और ये आपकी लोकेशन पर भी दिखाई देगा, चाहे वहाँ पर दिन का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो, आप इस डार्कनेस को पूरी तरह देख सकते हो। और इस अंधेरे में आप सितारों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, लेकिन चांद को नहीं, क्योंकि चांद पर सूरज का किरण ना गिरने की वजह से चांद भी चमकना बंद कर दिया है। तो सूरज पूरी तरह बंद हो जाने की वजह से प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड में आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, और इस बदलाव के वजह से नॉर्दर्न में एक हल्की सी लाइट दिखाई भी दे सकता है। तो प्लैनेट में सूर्य की रश्मि ना गिरने की वजह से प्लैनेट में सभी प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अब ऑक्सीजन देना बंद कर दिए। इसके वजह से प्लैनेट पर हॉरिबल लिविंग बींग्स मुसीबत में आ चुके हैं। तो सूरज पूरी तरह बंद होने के एक घंटे के बाद प्लैनेट पर पूरा डार्कनेस राज करने लगता है, जिसके वजह से तापमान भी हर जगह गिरने लगता है, और इस प्लैनेट की सतह धीरे धीरे ठंडा भी होने लगता है। लेकिन प्लैनेट के अंदर कोर में अभी भी गर्म बाकी है, क्योंकि हमारा प्लैनेट का कोर लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस गर्म है। सूरज पूरी तरह बंद होने के 24 घंटे के बाद प्लैनेट में 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक और 41 डिग्री से लेकर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जा चुका है, और इस टेम्परेचर में कुछ स्पेसिस के प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर समुद्र के नीचे जितने भी सारे प्राणी हैं उनको कुछ फील नहीं होता है। तो ऐसे ही अंधेरा 7 दिन तक रहता है, और इस टाइम प्लैनेट में -17 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर गिर जाता है। शुक्र मानो कि प्लैनेट की जियोथर्मल एनर्जी के वजह से प्लैनेट की सरफेस बर्फ नहीं बना है, लेकिन प्लैनेट पर लाइट ना गिरने की वजह से और भी प्लांट्स मरने लगते हैं, और इस टाइम तक प्लैनेट में हर वो गर्म खून वाला जानवर मर जाता है, और उसके बाद समंदर के अंदर सभी फाइटोप्लांक्टन भी मरने लगते हैं, और टेम्परेचर गिरने के बाद समंदर के अंदर जितने भी सारे प्राणी हैं वो सब परेशान में आ चुके हैं, और धीरे धीरे करके समंदर का ऊपरी हिस्सा भी बर्फ बनना शुरू हो गया है। और इस टाइम तक प्लैनेट के सभी साइंटिस्ट और सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर में जा चुके होंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यही इस दुनिया का अंत है। तो सूरज पूरी तरह बंद होने के एक महीने के बाद प्लैनेट में करीब -30 डिग्री सेल्सियस और -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है, और इस टाइम प्लैनेट पूरी तरह बर्फ बन गया है, और इस प्लैनेट में सभी प्लांट्स और सभी साइनोबैक्टीरिया पूरी तरह मर जाते हैं। लेकिन प्लैनेट में अभी भी कुछ स्पेसिस का पेड़ जिंदा है, लेकिन सूरज की किरणें ना पड़ने से वो सब ऑक्सीजन देना बंद कर दिए हैं, और इस टाइम तक इस प्लैनेट में मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स मर चुके हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी भी जिंदा है, और इस प्लैनेट में ज्यादा जीवन वाटर के अंदर जिंदा है। तो हैरानी की बात यह है कि समंदर की सरफेस पूरी तरह बर्फ हो जाने के बाद समंदर के निचला हिस्सा बर्फ बनना बंद कर देता है, क्योंकि प्लैनेट की कोर की वजह से। लेकिन यह ज्यादा दिन के लिए नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके समंदर के नीचे जितने भी सारे प्राणी थे वो सब मरना शुरू कर देते हैं, और एक साल हो जाने के बाद समंदर के अंदर का हिस्सा भी बर्फ बनना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन, उनका कहना है कि जब सूरज एक साल के लिए पूरी तरह बंद हो जाएगा तो हमारे प्लैनेट में -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाएगा, और जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से समंदर के बहुत ही गहराई पर कुछ जीवन बचा होगा, और कुछ ह्यूमंस आइसलैंड में सर्वाइव कर पाए होंगे। और प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन के अनुसार ये प्लैनेट ऐसे ही ठंडा होता जाएगा अगले कुछ सालों तक, और जब इस प्लैनेट में -160 डिग्री सेल्सियस और -256 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाएगा, तब इस प्लैनेट में कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो ये तो जान ले कि अगर सूरज पूरी तरह बंद हो जाता है तो क्या होगा, लेकिन अगर सूरज अपना ग्रेविटी को भी बंद कर दे तो क्या होगा? तो सूरज अपना ग्रेविटी को बंद कर देने के बाद सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स ऐसे ही स्पेस में इधर उधर चले जाएंगे, और उनमें से कुछ प्लैनेट एक दूसरे के साथ टकराकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, और इसमें हमारा प्लैनेट भी आ सकता है, या फिर स्पेस में किसी ब्लैक होल के पास भी जा सकता है, या फिर हमारा प्लैनेट किसी और एक सन के पास भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही कम चांस है। तो फ्रेंड्स, ये कोई एक फैंटेसी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सब फ्यूचर में ऐसा होने वाला है हमारे सूरज के साथ। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि करीब 1 बिलियन साल के बाद हमारा सूरज एक बहुत बड़ा रेड स्टार हो जाएगा, और मर्क्यूरी, वेनस और हमारा प्लैनेट, ये तीनों प्लैनेट को ये बड़ा सा रेड
रेड स्टार पूरी तरह निकल लेगा और मार्स ही सूरज का क्लोजेस्ट प्लैनेट बन जाएगा जिसका टेम्परेचर करीब 1000 डिग्री तक गर्म हो जाएगा और 5 बिलियन साल के बाद ये सूरज पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाएगा। तो सूरज की रेडियस बढ़ने से पहले अगर हम कामयाब नहीं हो सके किसी दूसरे प्लैनेट में बसने के लिए तो हमारा मानव इतिहास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो दूसरा सोलर सिस्टम की बात नहीं लेकिन अभी हमारा साइंटिस्ट मार्स प्लैनेट में बसने के लिए सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या फ्यूचर में हमारा साइंटिस्ट मार्स प्लैनेट में अपना कॉलोनी को बसा पाते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन तब के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद जय भारत।